बिकॉज ये बिल्कुल रोटेट नहीं होती आपके हैंड के साथ, कि इसमें आपको हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक मिलती है। नाउ हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक जो होती है वो मैकेनिकल डिस्क ब्रेक से ज्यादा पावरफुल होती है। हाउएवर जो से मॉडल है दैट इज नॉट अबाउट द मेन थिंग ऑफ द बाइसाइकिल द गियर्स, इसमें आपको 27 A typical MTB costs like 20,000 rupees and इसमें जो specs होते हैं इतने मज़ेदार आपको नहीं मिलते हैं। But then when you go for a high-end MTB, तो 70,000 rupees, 1 lakh rupees, 1.5 lakh and even 2 lakh की आ जाती है। लेकिन ऐसे बजट में MTB लेना बहुत ज़्यादा खर्चे का काम हो जाता है। And that's where the problem comes। इन दोनों के बीच में कोई भी बाइसाइकिल नहीं है। Until I was introduced to this। This is GK Geometry, a bicycle that is an amazing frame. You also get amazing gears and even get hydraulic disc brakes. The frame is a normal. This looks kind of attractive. If you see the frame design over here, yahan se kafi thin hai, yahan se kafi fat hai. Even the seat stay is kind of thick. The rear frame is welded in such a way that it looks like a single piece design. And aap dekhenge jo aapka derailleur hai, wo hang kar raha hota hai niche ki taraf. Let's talk about this main thing, the specification of the bicycle. You get a lockout suspension in this bicycle, that means इसको आप unlock कर सकते हैं and आप फिर trail riding कर सकते हैं। जैसे आप इसको lock कर देंगे तब आप normal riding कर सकते हैं। Along with the lockout suspension, you also get the lock-on grips। जब आप off-roading करते हैं ये lock-on grips काफ़ी ज़्यादा helpful होती है, because ये बिल्कुल rotate नहीं होती आपके hand के साथ। जो normal grip होती है वो कई बार slip मार जाती है। If you see the cockpit of the bicycle, you are also greeted with one more thing that is also the USP of this product, कि इसमें आपको hydraulic disc brake मिलती है। Now hydraulic disc brake जो होती है वो mechanical disc brake से ज़्यादा powerful होती है। However, जो इसमें model है that is Logan, ये मैंने ज़्यादा test out नहीं कर रहा है, लेकिन इसका जो looks है that is similar to Shimano 315. Also, if you can see below, यहाँ पर आपको quick release मिल जाता है, that too front में मिल जाता है and even on the back. इस सेगमेंट की जो भी बाइसाइकिल होती है उसमें आपको ज़्यादातर फ्रंट में ही क्विक रिलीज मिलता है। इसका यही बेनिफिट होता है कि इसमें आप खोल के गाड़ी में डाल सकते हैं एंड अगर दोनों क्विक रिलीज खुल जाते हैं, एक तो आप ट्यूब इजीली चेंज कर सकते हैं पीछे वाले की एंड सेकेंडली जब आप गाड़ी में जा रहे हो तो आप ज़्यादा साइकिल्स भी फिट कर सकते हैं। द क्रैंक्स दे इम्प्रेस मी बिकॉज इसके जो क्रैंक्स हैं दीज आर फ्रॉम प्रो व्हील एंड प्रो व्हील का ये एडवांटेज होता है कि वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, उनका जो क्वालिटी होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल क्रैंक्स। यू कैन ऑल्सो सी यहाँ पर आपको सिंगल बॉटल होल्डर नहीं मिलता है, ड्यूअल बॉटल होल्डर मिलता है, एक यहाँ पर मिल जाता है एंड इवन ऑन द सीट ट्यूब। इसमें आपके जो हब्स हैं इसमें आपको सील पेयरिंग मिलता है, इसके जो बॉटम ब्रैकेट है वहाँ पर भी आपको सील पेयरिंग मिलता है। नॉट अबाउट द मेन थिंग ऑफ द बाइसाइकिल द गियर्स, इसमें आपको 27 स्पीड गियर्स मिल जाते हैं, लेकिन एक चीज़ है कि इसमें आपको माइक्रो शिफ्ट के गियर्स मिल जाते हैं। सो अगर आप सामने के शिफ्ट देखेंगे लेफ्ट साइड में आपको 3 गियर्स मिल जाते हैं एंड राइट साइड में आपको 9 गियर्स मिल जाते हैं। फ्रंट का जो डेरेलर था वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव था बिकॉज मुझे लगा नहीं था अच्छी तरह इसकी परफॉर्मेंस होगी, लेकिन इसकी शिफ्टिंग बिल्कुल ठीक थी। है वो जो रियर डेरेलर है उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो एवरेज थी। ये माइक्रो शिफ्ट का मीजू गियर्स हैं, इसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। मैं ज़्यादातर आपके शिमानो चलाते हैं, शिमानो के ट्यूनिंग हो जाते हैं या शिमानो के एल्टोज होते हैं वो ज़्यादातर मैं यूज़ करता हूँ। इवन दो आई हैव मेड अ वीडियो जिसमें मैंने माइक्रो शिफ्ट वर्सेस शिमानो करा था, तो वो भी आप वॉचआउट कर सकते हैं। इसके जो एग्जैक्ट परफॉर्मेंस है मैं थोड़े से यूज़ करने के बाद या अराउंड 4 to 5 months यूज़ करने के बाद आपको बता दूंगा। The rims in this bicycle are double walled and इसका जो material है that is alloy, जिसके pedals हैं these are also alloy, जिसके seat post है this is also alloy, लेकिन एक चीज़ है जो seat post है अगर आप देखेंगे इसका clamp है काफ़ी ज़्यादा advanced version है, because generally आप seat post के जो clamp देखते हैं वो generally round वाले आते हैं and उसको tight करने के लिए आपको 15 mm की key लगती है। इसके बाद एक और चीज़ notice करेंगे, जो seat post है उसके वहाँ पर आपको marking भी मिल जाती है, that means अगर multiple users हैं तो adjustment करके easily इसको use भी कर सकते हैं। One thing that I like about this bicycle is the frame. एंड मैंने एक चीज़ नोटिस करी, ये नॉर्मल फ्रेम नहीं है, मतलब अगर आप पीछे देखेंगे जैसे मैंने आपको बताया अलग आपकी वो थोड़ी सी ट्यूब्स हैं, देन ऊपर से काफ़ी ज़्यादा पतला है, देन नीचे वाले अगर आप ट्यूब देखोगे तो यहाँ पर थोड़े से नॉच टाइप का है, ऐसा जनरली एल्यूमिनियम फ्रेम्स में नहीं आता है। मैंने थोड़ी रिसर्च करी इसके बारे में, मुझे ज़्यादा पता लगा कि इसका जो फ्रेम है दैट इज़ अल्फा एलॉय हाइड्रोफॉर्म, दैट मीन इसकी जो फ्रेम क्वालिटी है दैट इज़ गोना बी गुड, इसकी जो लुक्स है दैट इज़ ऑल्सो गोना बी गुड एंड इसका जो फ्रेम है थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है दूसरे फ्रेम से। अलॉन्ग विद दैट यू कैन ऑल्सो सी इसमें आपको इंटरनल केबल रूटिंग मिल जाती है, इसकी वजह से आपकी जो ओवरऑल बाइसाइकिल है वो ज़्यादा क्लीनर लगती है। हाउएवर अगर आप नोटिस करेंगे जिसको हाइड्रोलिक ब्रेक्स हैं वो अलग से नीचे से जाती है एंड ये भी नहीं है कि आफ्टर थॉट था, बिकॉज मैंने नोटिस किया इसमें माउंट्स भी लगे हुए थे, दैट मीन्स ये पहले से डिजाइन था कि हाइड्रोलिक ब्रेक ही इस फ्रेम में लगेगी। द स्टैंड ऑन दिस बाइसाइकिल इज काइंड ऑफ रिमूवेबल एंड आप देखेंगे जैसे इसको रिमूव करेंगे तो बिल्कुल भी निशान नहीं आता है, जो प्रो राइडर्स होते हैं वो ऐसे ही बाइसाइकिल को यूज़ करते हैं। नाउ लेट्स टॉक ऑन द मेन पॉइंट,
how did this bicycle perform on the road? The geometry feels nice. मुझे काफी अच्छा स्टैंस मिला इसके ऊपर राइडिंग करते हुए एंड काफी कंफर्टेबल भी था. The ride was also smooth, maybe because of the suspension or because of the tires. The performance on road was good. However, performance off road was average. Shifting performance of the bicycle, this is also average because of micro shift. लेकिन मैं कहूँगा ये जो gears होते हैं, these are value for money type gears. I did test the brake out. The mechanical brakes हैं उससे काफी better है. लेकिन however Shimano MT-200 से थोड़ी सी इनका लोअर मैं कह सकता हूँ, लेकिन अगर से जितना स्पेंड कर रहे हो उससे आपसे ब्रेकिंग आपकी ठीक ही मिल जाती है. इट ऑल्सो गेट्स अ कैसेट एट द बैक, दैट मीन्स आपकी जो एक्सल की क्वालिटी होगी वो ज्यादा हैवी होगी एंड इससे जो लोड होता है वो भी ज्यादा इवनली स्प्रेड आउट होता है, ज्यादा ब्रेकेज भी नहीं होती है एंड इजिली आप अपनी कैसेट भी चेंज कर सकते हैं अगर आपको गियर रेशियो अपना चेंज करना है तो. कैसेट के ये थोड़े से एडवांटेज होते हैं ओवर द फ्री व्हील. नाउ एज आई वॉज अनबॉक्सिंग दिस बाइक मुझे काफी ज्यादा अच्छी प्रीमियम फीलिंग आ रही थी, मुझे पता था ये इंपोर्टेड बाइसाइकिल है, लेकिन जैसे मैंने इसके टायर देखे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया बिकॉज ये बड़े टायर सामने जो रिफ्लेक्टर्स है वो भी आपको नहीं मिलेंगे, इवन पॉक्स मिलेंगे, तो इसमें थोड़ी सी ज्यादा आपको एग्रेसिव फीलिंग मिल जाती है बाइसाइकिल की एंड दैट इज वाई इसकी जो लुक्स हैं वो काफी ज्यादा अच्छी आपको लग रही होंगी. As you know, this channel is good only because it is unbiased. And मैं इस बाइसाइकिल की आपको डिसएडवांटेज बताना चाहता हूँ. So the first obvious disadvantage is that इसमें आपको माइक्रोशिप मिल जाते हैं and not the Shimano. The hydraulic disc brakes in this bicycle is from Logan. एंड ये भी ज्यादा बाइसाइकिल्स में आपको नहीं दिखती है. वन थिंग व्हाट डिस, अगर आप बॉटल होल्डर देखेंगे तो यहाँ पर आपको बोल्ट्स मिल जाते हैं ओरिजिनली कंपनी की तरफ से, लेकिन अगर आप सी ट्यूब के यहाँ पे बॉटल होल्डर के माउंट्स देखेंगे तो वहाँ पर आपको बोल्ट्स मिलते ही नहीं है. इफ यू सी द क्रैंक्स ओवर हियर, इसमें आपको कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिल जाती है चेन के लिए. अब ये कई लोग इसको डिसएडवांटेज कहेंगे, कई इसको एडवांटेज कहेंगे. जो हाई एंड बाइसाइकिल होती है उसमें कोई भी चेन की प्रोटेक्शन नहीं मिलती है, लेकिन जो मिड एंड बाइसाइकिल होती है जो एंटी लेवल होती है उसमें आपको चेन की प्रोटेक्शन मिल जाती है. एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज है इसमें आपको हार्ड एक्स के टायर मिल जाते हैं. ये जो टायर होते हैं एक सेगमेंट लोअर साइकिल में आपको मिल जाते हैं, तो इसमें थोड़े से हाईएस्ट टायर्स होते दैट वुड बी मच नाइसर. नाउ कमिंग टू द कंक्लूजन, दिस बाइसाइकिल इज काइंड ऑफ गुड. इसके फ्रेम मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, सीट भी काफी सही थी, गियर्स इसके एवरेज थे, हाइड्रोलिक ब्रेक भी इसमें काफी ज्यादा अच्छी मिल जाती है अगर आप कंपेयर करेंगे विद द मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स. मेन मुद्दा आता है इसका प्राइस क्या है. दिस इज क्लोज टू 38,000 रुपीस बाइसाइकिल फॉर द 27.5 वर्जन. ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगता है, लेकिन मैंने आपके लिए ऑफर प्राइस थोड़ा सा निकलवा दिया, थोड़ा सा मैंने नेगोशिएशन किया. उन्होंने मुझे बताया कि अब ये आपके लिए 25,200 रुपीस में बाइसाइकिल दे देंगे. दिस काइंड ऑफ अ स्टील डील एंड 25,000 रुपीस के हिसाब से आई वुड से दिस काइंड ऑफ अ बैलेंस बाइसाइकिल. देन इसमें एक 29er वेरिएंट भी आता है, इसका जो एमआरपी दैट इज 38,300 रुपीस एंड इसका जो ऑफर प्राइस है दैट इज क्लोज टू 25,500 रुपीस. एक और डिसएडवांटेज है इस बात में, उन्होंने मुझे बताया कि जो प्राइस है दिस इज काइंड ऑफ लिमिटेड, पता नहीं कब तक ये डील चलेगी. आई विश के पूरे टाइम डील मिल जाती है, लेकिन यार कंपनी का चीज है. 84 मैं कश्मीर से, आपको सीधा पता चलेगा. तू आगे चले जा. सही किया तूने, रिएक्ट नहीं किया ना. यहाँ एक बंदा आया कैमरे के आगे अटक गया, वो पूरा पिया हुआ था, स्मेल आ रही थी यहाँ तक. मैं जो अच्छा गया, मेरे कैमरे ने बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया. मैंने ऐसी जगह पे कॉम्प्लिकेट हो जाता है, अगर उसको कुछ हो जाता है धक्का मारते वो पीछे मारना स्टार्ट हो जाता है. उधर दिखाइयो क्या चल रहा है. अगले बार से चांदनी चौक में शूट ही नहीं करना, सब चलाए जाते हैं. और ये तब है कितने बजे, सुबह के 7 बजे ना. और मैंने यहाँ सोचा था खाली होगा पूरा, क्योंकि मोटर में तो आ सकती, कोई उठेगा नहीं थे सुबह, और ये हाल हुआ पड़ा. देन नीचे जब ट्यूब देखेंगे, चलान करो इसका. नाइस टू सी यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस. ये वीडियो आपको कैसे लगी मुझे नीचे बता सकते हैं. वीडियो पसंद आती है इसको लाइक कर सकते हैं. अपने फ्रेंड्स के साथ ही वाली बाइसाइकिल शेयर करनी है तो उनको भी ये वीडियो दिखा सकते हैं. एंड मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है बिल्कुल भूलना. दिस फैट बाइक के वैभव साइनिंग ऑफ.